हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट सो फर्स्ट पार्ट मैंने जीके क्वेश्चंस का अपलोड कर दिया है एंड ये सेकंड पार्ट है इसमें हम अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे तो अवार्ड्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या जितने भी बेसिक जीके के अंदर आ सकते हैं वो सब मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं सो so, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहला क्वेश्चन है विच मूवी हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑस्कर इन द बेस्ट फिल्म कैटेगरी बेस्ट फिल्म कैटेगरी में किसको ऑस्कर मिला है हमें उस मूवी का नाम बताना है तो इसका आंसर है पैरासाइट क्या आंसर है इसका पैरासाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन द वर्ल्ड फूड अवार्ड्स 2020 वर्ल्ड फूड अवार्ड्स 2020 किसको है तो रतन लाल मदन लाल किशन लाल या विश्वास राव तो इसका आंसर है रतन लाल ठीक है हु इज द विनर ऑफ द 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर विनर ऑफ द ट्वेंटी ट्वेंटी नोबल प्राइज इन लिटरेचर इसका पूछा गया है तो इसमें ऑप्शंस आपको दे रखें लुइस ग्लक एलिस मुंड्रो पीटर हैंड के मारियो वार्गस लोसा तो इसका आंसर है लुइस ग्लक ठीक है लुइस ग्लक नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वन द नोबल पीस प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी पीस प्राइज ट्वेंटी किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इसका आंसर है वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम क्या आंसर है इसका वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम जिस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे नोबल पीस प्राइज़ मिला है ट्वेंटी ट्वेंटी में ठीक है इसने ये जीता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज किसको दिया गया है ऑप्शन आपको दे रखे हैं सदत रहमान डिवीना मोलोम ग्रेटा थनबर्ग या पॉल आर मिलग्रू तो इसका आंसर है सदत रहमान सदत रहमान को जो है चिल्ड्रंस पीस प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी का अवार्ड मिला नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट woman टू रिसीव द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर पहली ऐसी वीमेन जिसको नोबल प्राइज दिया गया लिटरेचर के लिए तो उसका हमें नाम बताना है ऑप्शन आपको दे रखे हैं सेल्मा लेगरल ग्रेजिया डेलेडा सिगरेट अंसर या पर्लबर्ग तो इसका आंसर है सेल्मा लेगरल जिन ये ऐसी फर्स्ट वुमेन हैं जिनको लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज दिया गया ठीक है सेल्मा लेगर प्राइज फॉर लिटरेचर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वॉज द फर्स्ट राइटर इन चाइनीज चाइनीज में पहला ऐसा कौन सा राइटर है जिसने नोबल प्राइज जीता लिटरेचर के लिए लिटरेचर के लिए चाइनीज में ऐसा पहला राइटर में बताना है जिसने नोबल प्राइज जीता है ठीक है तो इसका आंसर है मो यान मो यान इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर ऑप्शन आपको दे रखे हैं विंस्टन चर्चिल एंथनी एडन टोनी ब्लेयर या फिर बेंजामिन डिसरेल तो इसका आंसर है विंस्टन विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे और इनको नोबल प्राइज़ मिला किसमें लिटरेचर में विंस्टन चर्चिल इन लिटरेचर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ओनली ऑस्कर विनर नेम्ड ऑस्कर कौन सा ऐसा ऑस्कर विनर है जिसका नाम ऑस्कर है और सिर्फ इकलौता यही है तो ऑप्शन आपको दे रखें ऑस्कर पीटरसन ऑस्कर हैमरस्टेन सेकेंड ऑस्कर लेवेंट या फिर ऑस्कर आइसेक तो इसका आंसर है ऑस्कर हैमरस्टेन सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नोबल प्राइज़ पहला नोबल प्राइज वॉज अवॉर्डेड इन कौन से ईयर में पहला नोबल प्राइज अवॉर्ड किया गया था एटीन 1901, नाइन नाइनटीन जीरो वन या 1923 में नोबल प्राइज जो कि पहला अवार्ड किया गया था वो अवार्ड किया गया था 1901 में ठीक है फर्स्ट से याद रखना कि नाइनटीन जीरो वन यानि की पहली ही डेट को पहले ही ईयर में नाइनटीन जीरो वन में जो है अवॉर्ड किया गया था नोबल प्राइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबल प्राइज़ वॉज पहली ऐसी महिला जिनको नोबल प्राइज़ मिला इसमें सिंपल नोबल प्राइज की बात हो रही है तो इसका आंसर है मैरी क्यूरी मैरी क्यूरी फर्स्ट वुमेन जिनको नोबल प्राइज मिला नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉन द नोबल प्राइज फॉर फ़िज़िक्स नोबल प्राइज़ फॉर फ़िज़िक्स इन नाइनटीन ट्वेंटी वन स्पेशली फॉर इस डिस्कवरी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबल प्राइज़ मिला कब यहाँ पर बता रखा है फिज़िक्स में मिला कब मिला नाइनटीन ट्वेंटी वन में मिला ठीक है एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबल प्राइज़ मिला फ़िज़िक्स में मिला नाइनटीन ट्वेंटी वन में मिला किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए मिला द फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट किस चीज़ के लिए जो है नोबल प्राइज़ मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की डिस्कवरी के लिए उनको नाइनटीन ट्वेंटी वन में नोबल प्राइज़ मिला किसको मिला एल्बर्ट आइंस्टाइन को नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन शेयर अ नोबल प्राइज इज मैक्सिमम कितने लोग जो है नोबल प्राइज को शेयर कर सकते हैं तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं फोर थ्री सिक्स या टू तो इसका आंसर है थ्री थ्री पीपल कैन शेयर नोबल प्राइज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन कॉन्फर्स द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर विच इंस्टीट्यूशन कॉन्फर्स द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर ऑप्शन आपको दे रखे नोबल फाउंडेशन नोबल कमेटी इंस्टीट्यूट या फिर स्वीडिश अकेडमी तो इसका आंसर है स्वीडिश अकेडमी नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ द नोबल प्राइज अल्फर्ड नॉबल फाउंडर ऑफ द नोबल प्राइज अल्फर्ड नॉबल वॉज सिटीजन ऑफ विच कंट्री अल्फर्ड नॉबल वॉज सिटीजन ऑफ विच कंट्री इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं जर्मनी स्विट्जरलैंड हंगेरी या स्वीडन तो नोबल प्राइज़ के फाउंडर अल्फर्ड नॉबल किस कंट्री के सिटीज़न थे स्वीडन के नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट फील्ड कलिंगा प्राइज़ इज गिवन कलिंगा प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है आर्ट्स मेडिसिन क्रिएटिव राइटिंग या साइंस तो कलिंगा प्राइज़ जो है किस फील्ड में दिया जाता है साइंस में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपको जनरली भी पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी द प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑफ द नोबल पीस प्राइज़ हेल्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑफ द नोबल पीस प्राइज़ हेल्ड कौन सी कंट्री में में कौन सी कंट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज़ द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टू विन द नोबल प्राइज पहला इंडियन और एशियन जिसको नोबल प्राइज मिला सी वी रमन मदर टेरेसा सर चंद्रशेखर या रविंद्रनाथ टेगोर तो फर्स्ट इंडियन जिनको फर्स्ट इंडियन और एशियन जिनको नोबल प्राइज मिला वो थे रविंद्रनाथ टेगोर रविंद्रनाथ टेगोर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय यूनेस्को विच अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय यूनेस्को इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कलिंगा प्राइज अर्जुन अवार्ड या फिर नोबल प्राइज तो इसका आंसर है कलिंगा प्राइज इज अवार्ड बाय यूनेस्को नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फील्ड इज द ग्रामी अवार्ड गिवन ग्रामी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है ठीक है ऑप्शन आपको दे रखें लिटरेचर म्यूजिक साइंस या इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सबको पता होना चाहिए कि ग्रामी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन का आप आंसर जो है कॉमेंट करो कि ग्रामी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है अभी के अभी कमेंट करो अभी देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो देखो नहीं तो बाद में भूल जाते हैं और फिर अगर यही क्वेश्चन आ गया तो रिग्रेट होता है तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को अभी के अभी कमेंट करो और देखती हूँ मैं कितने लोगों को पता है आंसर तो ग्रामी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है चार ऑप्शन है लिटरेचर म्यूजिक साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरी तो ये आप कॉमेंट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हेल्ड पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कहाँ पर हेल्ड हुए थे ऑप्शन आपको दे रखें कैलिफोर्निया टेक्सास फ्लोरिडा या न्यूयॉर्क तो इसका आंसर है कैलिफोर्निया क्या आंसर है इसका कैलिफोर्निया नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर डिड नेल्सन मंडेला वॉन नोबल पीस प्राइज नोबल पीस प्राइज नेल्सन मंडेला को कौन से साल में मिला ऑप्शन आपको दे रखे नाइनटीन नाइन्टी थ्री नाइन्टी फाइव नाइन्टी फोर या नाइन्टी सिक्स तो इसका आंसर है नाइनटीन नाइन्टी थ्री नाइन्टीन नाइन्टी थ्री में नोबल पीस प्राइज मिला नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड नेल्सन मंडेला रिसीव हिज नोबल पीस प्राइज अब नाइन्टीन नाइन्टी थ्री में मिला अब कहाँ पर मिला क्वेश्चन है कहाँ पर मिला तो इसका आंसर है नॉर्वे नॉर्वे में मिला नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नोबल प्राइज विनर्स इन फिजिक्स फिजिक्स में सबसे ज्यादा नोबल प्राइज विनर्स कौन सी कंट्री के हैं ठीक है कौन सी कंट्री का नाम पूछा है तो इसको इसमें ऑप्शन आपको दे रखे जर्मनी फ्रांस यूएस या यूके तो इसका आंसर है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा विनर्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ नोबल प्राइज विनर्स और हाइएस्ट नंबर ऑफ नोबल प्राइज विनर्स ये ओवरऑल पूछा गया है सेम इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नोबल प्राइजेज जर्मनी गॉट नोबल प्राइजेज जर्मनी को कितने नोबल प्राइजेज मिले हैं ऑप्शन आपको दे रखे हैं वन हंड्रेड एंड एलेवन वन हंड्रेड एंड एटीन वन हंड्रेड एंड फाइव या नाइन्टी फाइव जर्मनी को टोटल मिले हैं एक सौ ग्यारह नोबल प्राइज कितने द एनुअल अकेडमी अवार्ड आर बेटर नोन एज एनुअल अकेडमी अवार्ड्स को किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन आपको दे रखे हैं नोबल प्राइज मैगसे अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड या ब्रिट अवार्ड तो इसका आंसर है एनुअल अकेडमी अवार्ड्स को किस नाम से जाना जाता है ऑस्कर अवार्ड के नाम से ठीक है बेटर नोन एज ऑस्कर अवार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन अवार्ड इज गिवन टू विच फील्ड तानसेन अवार्ड इज गिवन टू विच फील्ड तो बहुत ही आसान है आर्ट लिटरेचर म्यूजिक या साइंस तो तानसेन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है म्यूजिक फील्ड में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरेसा विन द नोबल पीस प्राइज मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज कब मिला ऑप्शन आपको दे रखे नाइनटीन सेवनटी नाइन नाइनटीन सेवेंटी फाइव या नाइनटीन एटी वन या नाइनटीन एटी टू तो मदर टेरेसा को नोबल पीस प्राइज मिला नाइनटीन सेवनटी नाइन में कब मिला नाइनटीन सेवनटी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ गांधी पीस प्राइज गांधी पीस प्राइज का पहला विनर एटी आर्या रत्ने जूलियस नेरेरा नेल्सन मंडेला वी एस नेपॉल इसका आंसर है जूलियस नेरेरा तो फर्स्ट गांधी पीस प्राइज का विनर है जूलियस नेरेरा द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑस्कर अवार्ड वॉज वन थर्टी सिक्स टाइम्स बाय थर्टी सिक्स टाइम्स बाय किसने जीता चार्ली चैपलिन एल्फर्ड हिटकॉक वॉल्ट डिज्नी या कुरोसावा इसका आंसर है वॉल्ट डिज्नी वॉल्ट डिज्नी को थर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्जुन अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर अर्जुन अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर अर्जुन अवार्ड्स के कब आ, uh, किस ईयर में जो है इंस्टीट्यूट किए गए थे इसका आंसर है नाइनटीन सिक्सटी वन अर्जुन अवार्ड्स जो है नाइनटीन सिक्सटी वन में इंस्टीट्यूट किए गए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया वीर चक्र परमवीर चक्र, परम चक्र परम विशिष्ट सेवा मेडल या फिर कीर्ति चक्र तो इसका आंसर है परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन टू विन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन टू विन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इज नेल्सन मंडेला मार्टिन ल्यूथर आर्थर एशिया टॉनी मॉरिसन टॉनी मॉरिसन इज द फर्स्ट अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन जिसको नोबल प्राइज मिला किसके लिए लिटरेचर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द चमेली देवी अवार्ड इज गिवन टू एन आउटस्टैंडिंग इज चमेली देवी अवार्ड जो कि आउटस्टैंडिंग को मिलता है वो किस वोकलिस्ट जर्नलिस्ट लॉयर साइंटिस्ट चमेली देवी चमेली देवी अवार्ड इज गिवन टू एन आउटस्टैंडिंग वीमेन इज अ जर्नलिस्ट ठीक है जर्नलिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट इज द विनर ऑफ द ऑस्कर अवार्ड विनर ऑफ द अवार्ड शाम बंगाल भानु अथैया दिलीप कुमार या रोहिणी हट्टा तो इसका आंसर है भानु अथैया ठीक है फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिसको ऑस्कर मिला नेक्स्ट है द द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विद द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड से एसोसिएटेड है सर्जन आर्टिस्ट स्पोर्ट्स या इंजीनियर्स तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है एसोसिएटेड uh, है किससे स्पोर्ट्स से किससे स्पोर्ट्स से, किस से? सो so गाइज़ आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन ही एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो फ्रूटफुल लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका कॉमेंट करके आंसर जरूर बताइए अभी अपना क्विज लेना एंड देन उसके बाद जो है कॉमेंट जरूर करना कि उसका आंसर क्या है बहुत ही ईजी क्वेश्चन था सो so, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड ब बाय और मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियोस और लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए